अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अल्फाज मेरे। अच्छा जी, एक नई कहानी जो है पेश खिदमत है। ये चीता साहब हैं जिन्होंने DHA को जो है वो नचाया हुआ है। पिछले कई घंटों से DHA के रिहायशी जो हैं वो इसके पीछे लगे हुए हैं। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक ये किसी घर से भाग गया और अब आवाम इसके पीछे भाग रही है और ये आवाम के आगे आगे भाग रहा है। पता नहीं चीता साहब करना क्या चाह रहे हैं DHA के आवाम के साथ। तकरीबन दिन के 2:30 बजे का टाइम था जब ये किसी घर से भागा था और अभी आप देख सकते हैं कि ये रात का टाइम है, रात की वीडियो है और अभी भी ये भाग ही रहा है। ना इसको भूख लग रही है, ना इसको प्यास लग रही है। पता नहीं चीते साहब क्या कोई खाते पीते भी नहीं हैं, सोते नहीं हैं, भागने पर लगे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि ये 2:30 बजे यहाँ से जी बाहर कूदा है, तो उसके बाद बस ये छलांगी मार रहा है, कूद ही रहा है। अब कोई स्टेटस लगाता है कि यहाँ पे आ गया है चीता, फिर थोड़ी देर बाद कोई उससे हिला स्टेटस लगाता है कि अब चीता यहाँ पे आ गया। मतलब इस्लामाबाद या चीता चीता हुए हैं, उनको कराची की हार की कोई होश नहीं है। एनीवेज, ऑन अ सीरियस नोट, ये जो चीता जब भाग रहा था तो इसने डिफरेंट लोगों को हिट भी किया है, तो आई होप कि वहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सेफ हैं। पुलिस के भी कुछ लोग वहाँ पर नज़र आ रहे हैं अपेरेंटली, जो दिखाई दे रहा है उसके मुताबिक तो। लेकिन उनकी जितनी भी कोशिशें हैं वो अभी तक नाकाम है, क्योंकि ये दिन टाइम से इस्केप किया है इसने, किसी भी घर से ये कूदता फलांगता हुआ दीवारों को आगे से आगे जाता जा रहा था। तो उस वक्त से अब शाम का टाइम है, रात का टाइम है, तो अभी तक करंट स्टेटस के मुताबिक ये पकड़ा नहीं गया। तो आई होप कि वहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सेफ़ हैं, क्योंकि बच्चे भी रोड्स पे कभी कभी शाम के टाइम पार्क्स वगैरह में निकलते हैं, तो यहाँ पे क्या पता होता है कि वो भाग के किस साइड पे चला जाए। तो आई विश कि सब कुछ जो है वो ठीक है।